जो भी क्रिकेट प्रेमी होंगे वो विराट कोहली के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, और आप में से कई लोग विराट कोहली के प्रशंसक भी होंगे, इन्हें पसंद भी करते होंगे। हो सकता है कि कई लोग इनके आलोचक भी होंगे, नापसंद करते होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे विराट कोहली के बारे में, क्योंकि आपने सुना होगा अभी हाल ही में ही कि विराट कोहली ने क्रिकेट टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी है, और इस कारण से ये चर्चा में आ चुके हैं। तो हम लोग विराट कोहली के पारिवारिक माहौल क्या रहा है, इनके परिवार के बारे में जानेंगे, और इनकी शिक्षा पर भी हम लोग बात करेंगे, और क्रिकेट का सफर इनका किस तरह से रहा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और आप सभी को मालूम होगा कि इनसे जुड़े कुछ विवाद भी हैं, उन पर भी बात करेंगे, और इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिले हुए हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे कौन कौन से पुरस्कार अभी तक विराट कोहली जीत चुके हैं। सबसे पहले आप लोग फोटो देख लीजिए इनकी, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, यह है विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। अगर हम लोग इनके नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम लिखते हैं विराट कोहली, और इनके उपनाम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि आपका एक रियल नाम होता है, फिर आपके दोस्त हो या आपका परिवार हो, आपने देखा होगा उपनाम रख देता है। तो इनका उपनाम चीकू, रन मशीन, किंग ऑफ क्रिकेट नाम से भी आप लोग विराट कोहली को जानते हैं। अगर हम लोग जन्म की बात करें तो इनका जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में होता है। एक बार आप लोग दिल्ली को भारत मैप में देख लीजिए, देखिए ये हमारा प्यारा भारत का मैप है, और यहाँ आप लोगों को दिल्ली देखने को मिलेगा। दिल्ली से इनका सफर शुरू होता है, और फिर आप देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इन्होंने क्रिकेट में अपना नाम काफी कमाया हुआ है। और इनके अगर हम लोग पिता की बात करें तो इनके पिता प्रेम कोहली, जो इनका व्यवसाय इनके पिता का वकील थे, इनके पिता कौन थे? वकील थे प्रेम कोहली। आप लोग इनकी माता की बात करें तो सरोज कोहली इनकी माता का नाम। एक बार अगर आप लोग फोटो देखना चाहें तो देख सकते हैं, विराट कोहली दिखाई भी दे रहे होंगे आपको स्क्रीन पर, इसमें आप देखेंगे तो ये इनके पिता हैं। क्या है? पिता है, और ये इनकी माता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इनकी पत्नी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इनकी पत्नी का नाम अनुष्का शर्मा और इनकी बेटी का नाम वामिका है, और अनुष्का शर्मा एक्टर्स हैं, आप सभी को मालूम होगा बॉलीवुड की एक एक्टर्स हैं, और आप लोग उन्हें मूवियों में देखते भी रहते होंगे, ये आपको दिखाई भी दे रही होंगी, ये इनकी बेटी है, ठीक है। अगर हम लोग इनके बारे में और कुछ बात करें, किनके बारे में? विराट कोहली के बारे में, तो आप देखेंगे इनकी शिक्षा की बात करें तो विशाल भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली, सेवियर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पश्चिमी बिहार दिल्ली से अपनी शुरुआती शिक्षा लेते हैं। उसके बाद अगर हम लोग व्यवसाय की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेटर है, खासकर बल्लेबाज हैं, और बल्लेबाज किस तरह से करते हैं आप सभी लोग जानते हैं। आप में से इनके अगर जो प्रशंसक होंगे, जो इन्हें पसंद करते होंगे, इनके एक एक मुख्य रिकॉर्ड का भी आप लोगों को मालूम होगा, और मुझे भी बताइए नीचे अगर आप लोग इनके बारे में बहुत कुछ जानते हो, कुछ और पॉइंट हो जो इस क्लास में हम लोग बात ना कर पा रहे हो। इनके अगर संरक्षक की बात करें, यानी कि आप कहिए कि गुरु की, तो राजकुमार शर्मा इनके गुरु का नाम। और इनके शौक की बात करें, आपके भी तो शौक होते हैं, आप देखते हैं कि क्रिकेट खेलना किसी का शौक होता है, फेसबुक चलाना, ठीक है, व्हाट्सएप चलाना, तो इनके शौक व्यायाम करना, यात्रा करना, गायन यानी कि गाना गाना, नृत्य करना इनके क्या है? शौक है। पसंदीदा क्रिकेटर्स की बात करें तो बल्लेबाज में सचिन तेंदुलकर हो गए, क्रिस गेल हो गए, शेन वॉटसन हो गए, डेविड वार्नर हो गए, जो रूट हो गए, हर्शल गिब्स। और गेंदबाज की बात करें तो शेन वॉर्न इनके फेवरेट क्या है? क्रिकेटर्स हैं। अगर पसंदीदा क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो ओवल ऑस्ट्रेलिया का है, और एलिलेड ए भी ऑस्ट्रेलिया का है। पसंदीदा पुस्तक की बात करें तो आपने देखेंगे परमहंस योगानंद योगी की आत्मकथा इनकी फेवरेट बुक है। अब बात आती है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट शुरुआत की, तो इन्होंने वनडे एक दिवसीय शुरुआत की हुई थी 18 अगस्त 2008 में, श्रीलंका के खिलाफ दम्बुला में खेला हुआ था, ये अंतरराष्ट्रीय शुरुआत की हो रही बात, ठीक है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट की बात करें तो ये 20 जून 2011 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ किंगस्टन में खेला था इन्होंने। और T20 की बात अगर हम लोग बात करें तो 12 जून 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हराबे में खेला हुआ था। तो इनकी शुरुआत है अंतरराष्ट्रीय शुरुआत यही।
अगर करियर के टर्निंग पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे 2008 में जब मलेशिया में भारतीय कप्तान के रूप में अंडर 19 विश्व कप इन्होंने जीता था और यहां से इन्हें प्रसिद्धि मिली हुई थी और कुछ इनके नाम रिकॉर्ड भी हैं। तो विश्व कप डेब्यू 2011 में शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे और फिर आप देखेंगे 22 साल की उम्र में लगातार दो वनडे एक दिवसीय मैचों में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर व सुरेश रैना के बाद इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया हुआ था। फिर आप देखेंगे वनडे एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 3000 4000 और 5000 रन बनाने वाले भी खिलाड़ी बने थे। कौन? विराट कोहली। भारतीय खिलाड़ियों में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी 2013 में जयपुर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में, ठीक है, और लगातार 25 वनडे एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी भी रहे हैं। वनडे एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 7500 रन बनाने का भी इनका रिकॉर्ड रहा है। डॉन बैडमैन और रिकी पोटिंग के बाद तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 13 शतक बनाया हो। 13 शतक, एक शतक नहीं 3 शतक। डॉन बैडमैन, ग्रीम स्मिथ और माइकल क्लार्क की तरह 4 दोहरे शतकों का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। पहले भारतीय कप्तान जिन्होंने एक वर्ष में 9 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की हुई है, ये रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम है। और ये पहले भारतीय कप्तान जिन्होंने 5 टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज की हुई है, तो ये भी इनके नाम रिकॉर्ड है। राहुल द्रविड़ की बात, विराट कोहली पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक वर्ष में टेस्ट मैचों में 1000 से अधिक रन बनाए और राहुल द्रविड़ ने 2011 में 1145 रन बनाए थे। तो राहुल द्रविड़ की बात, विराट कोहली का नंबर आता है। टेस्ट मैच में सर्वाधिक 235 रन बनाने वाले भारतीय कप्तान भी के नाम भी एक तरह से आपके लिए इनका रिकॉर्ड रहा है। पहले भारतीय टेस्ट कप्तान जिन्होंने विदेशी सरजमी पर दोहरे शतक बनाए हुए हैं, तो ये भी इनका इनके नाम रिकॉर्ड है। आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक रन, यानी कि आईपीएल में आप देखेंगे 116 गेंदों में 973 रन बनाए हुए हैं। एक आईपीएल सीजन में 4 शतक भी लगाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। 2018 में टाइम्स पत्रिका ने विराट कोहली को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में एक नामित किया था और 2020 में विराट कोहली को फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे अधिक भुगतान पाले वाले एथलीटों की सूची में 66वें स्थान पर रखा था। ये भी कुछ इनके नाम रहे हैं। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन बनाने वाली पारी के मामले में सबसे तेज बल्लेबाज भी माने जाते हैं। 22 अप्रैल 2021 को कोहली आईपीएल इतिहास में 6,000 आईपीएल रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन चुके हैं, तो ये रिकॉर्ड भी इनके नाम रहा है। कुछ इस तरह के रिकॉर्ड रहे हैं। देखिए, वैसे आप लोग अगर इनके बारे में जानने की दिलचस्पी रखते होंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो भी फेवरेट क्रिकेटर हो और भी कोई व्यक्ति हो तो उसके बारे में आप लोग एक एक पॉइंट याद रखते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ केवल ओवरव्यू ले लिया है इनके बारे में, ठीक है। इन्हें कुछ पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं, इसमें आप देखेंगे अर्जुन पुरस्कार 2013 में मिला था, पद्मश्री 2017 में मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न 2018 में मिला था इन्हें। और इनके नाम कुछ और पुरस्कार हैं, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2011 से लेकर 2020 तक, आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड 2011 से 2020, आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड 2011 से 2020, आईसीसी मेंस टी20आई टीम ऑफ द डिकेड 2011 से 2020 और सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2011 से 2020, सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017-18 में, आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर 2012 में 2017-2018 में, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 में, और भी इन्हें पुरस्कार दिए गए, सम्मान दिए गए, आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2012 हो, 2014 हो, 2016, 2017, 18, 19, आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2017, 18, 19 लगातार 3 सालों, आईसीसी स्प्रिट ऑफ क्रिकेट 2019, पॉली उमरीगर विजडन लेंडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड 2016, 17, 18 में, सीएट इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2011 से 2012, 13, 14 और 18, 19, बर्मी आर्मी वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी 2017-18 में इन्हें बनाया गया है, ठीक है। इस तरह के कुछ इनके नाम पुरस्कार भी रहे हैं। अब आपको बताया था कि विवाद भी इनसे जुड़े रहे हैं, तो विवादों में अगर हम लोग बात करें विराट कोहली के, तो 2011 में अपने पहले ही ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान विराट कोहली ने सिडनी मैदान में
बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए दर्शकों की ओर अभद्र रूप से अपनी मध्य उंगली दिखाई थी और इसमें मीडिया में काफी उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। विराट कोहली की मध्य उंगली विवाद काफी आपने देखा है, इन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। 2013 में आईपीएल 6 के दौरान रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स मैच में गौतम गंभीर और विराट कोहली में कहासुनी हो गई थी और उसके कुछ समय बाद रजत भाटिया के द्वारा विराट को आउट करने के पश्चात विराट और भी उत्तेजक हो गए। वह पीछे हटने की बजाय रजत भाटिया पर टिप्पणी करने लगे थे और जिससे दोनों में आपस में दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था और इसमें भी आपने देखा होगा काफी आलोचना भी सुननी पड़ती है इन्हें। विराट कोहली गौतम गंभीर के बीच भी टकराव रहा है और आपने देखा है कि काफी विवाद भी रहा है, सोशल मीडिया पर भी आप देखते रहेंगे। विश्व कप 2015 से पहले बीसीसीआई ने विश्व कप के दौरान भारतीय खिलाड़ियों पर अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड को साथ ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था और सूत्रों के मुताबिक इस प्रतिबंध के बाद कोहली जिस होटल में ठहरे थे उनकी प्रेमिका अनुष्का शर्मा भी उसी होटल में ठहरी थी जिससे वह सुर्खियों में रहे थे उस समय भी, ठीक है। और 2016 में T20 कप अभ्यास के सत्र के बाद विराट कोहली द्वारा एक पत्रकार पर अभद्र टिप्पणी करने पर विवादों में रहे थे क्योंकि उस पत्रकार ने एक अंग्रेजी अखबार में अभिनेत्री अनुष्का शर्मा पर एक लेख लिखा था। जब विराट कोहली को यह पता लगा तो वह पत्रकार निर्दोष है तो उन्होंने अपनी इस कृत्य की यानी कि इसके लिए माफी भी मांगी हुई थी तो यह इस समय भी इन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। जून 2016 में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के रूम में अनिल कुंबले का नाम नामित किया गया था लेकिन 2017 शुरुआत में कई सूत्रों के अनुसार अनिल कुंबले और विराट कोहली के संबंधों में गहरे मतभेद पाए गए थे और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के लिए बीसीसीआई ने पुरुष भारतीय क्रिकेट टीम कोच पद के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया था और जिसे अनिल को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी कोचिंग जॉब 21 जून 2017 को समाप्त करने का फैसला किया था। इसके फलस्वरूप उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कोच पद से इस्तीफा दे दिया था। उस समय भी आप देखेंगे विराट कोहली काफी चर्चा में आए हुए थे तो ये इनके बारे में विराट कोहली के बारे में एक सामान्य जानकारी है और देखिए वैसे पूरी जिंदगी के बारे में कवर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है और अभी तो आप देखेंगे इन्होंने कोई अपनी बायोग्राफी नहीं लिखी हुई है, अभी तो जो किताबों से जो गूगल पर आप देखते हैं जानकारी होती है वहीं से इकट्ठी करके आप लोगों को बता दी जाती है। और मेरा मानना है कि देखिए किसी भी के भी जिंदगी को कवर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है और स्मार्टगिरी यही होती है कि उसके मुख्य पॉइंट जिस वजह से उसे जाना जाता है उस पर भी बात कर ले तो एक तरह से उसकी पूरी बायोग्राफी कवर हो जाती है। चलिए वैसे जो भी चर्चा में रहते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, अगर कोई और किसी के बारे में बात करनी है तो आप लोग बताइएगा। विराट कोहली के बारे में और कुछ भी आपको इसके अलावा मालूम हो तो उसके बारे में भी आप लोग नीचे लिखिएगा और लोगों को भी मालूम चल सके उनके बारे में, ठीक है। चलिए आप लोग एंजॉय करते रहिए, हम तो मिलते ही रहेंगे।